किस तरह से काम करेंगे? देखिए, लोगों की सुविधा के लिए अगर जो आबादी देखी जाए यहाँ की, तो हमारे पास सरकारी 108 वगैरह सब मिला करके लगभग 26 से 30 आप बोल सकते हो, 26 से 30 अपने यहाँ एम्बुलेंसेज हैं। अगर यहाँ की जनसंख्या के मान देखें तो थोड़ा कम भी पड़ती हैं, सामान्य तौर पर भी कम पड़ती रही हैं, क्योंकि अभी इस क्राइसिस का ये उतार वाला फेज़ अपन देख रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि जिसकी वजह से ऐसा लगा कि लोगों का सुविधा हुई है। ओला ऊबर से बात की, हम लोगों ने ओला सामने आया और बड़े उत्साह से, जैसा आप लोगों ने देखा है, 50 एम्बुलेंस इन लोगों ने दी है और ये अलग अलग लोकेशन में शहर में रहेगी। तो लगभग 108 में इक्विपमेंट्स रहते हैं, इसमें इक्विपमेंट्स नहीं है इसमें, इसके लिए हम लोग कंट्रोल रूम को नंबर दे रहे हैं, वो कंट्रोल रूम 3009 नंबर है, फिर से रिपीट करूँगा 2363009। इसमें इस कंट्रोल रूम में प्रभारी हमने चंद्रमणि शुक्ला साहब को बनाया है, वो पूरा इसको देख रहे हैं और उस कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। कुछ बार समय ऐसे ही बात आई कि किसी अस्पताल में शवाहन की समस्या हुई लोगों को, ड्राइवर सो गए, ड्राइवर नहीं आया, क्योंकि अभी थोड़ा इस तरह का परिस्थितियाँ चल रही हैं और इसको अपने को अच्छे से एफिशिएंटली निपटना है। इसको कुछ नगर निगम के माध्यम से उस कंट्रोल रूम में हम लोगों ने शवाहन भी जोड़े हैं, किसी अस्पताल को दिक्कत नहीं जाए। सामान्य जो ग्रीन अस्पताल हैं जहाँ पेशेंट्स बाहर से भी आते हैं, अन्य गैर कोविड हैं, वहाँ भी कई अस्पतालों में ये सुविधा मिले, तो जितनी जल्दी मूवमेंट्स होंगी उतनी जल्दी अपन ये सब समस्याओं से निदान पाएंगे। ये भी बताना चाहूँगा मैं आपके माध्यम से कि आज का पीक है, ये जो आया है टेस्टिंग सैंपल, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि ये हमारे प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह में जो सैम्पलिंग की गई थी उसको, क्योंकि यहाँ सैम्पलिंग स्ट्रेंथ और टेस्टिंग स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, इसको हमने 4-1 दिन पहले दिल्ली भेजा था। और ये सारे वो केसेस हैं जो हमारे पॉजिटिव केसेस के प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं। इसमें मैंने ये आकलन पहले कर लिया था कि 250 से 300 इसमें करीबन आएंगे इसमें पॉजिटिव, इसमें घबराने की बात नहीं है। सभी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था है हम लोगों की, ग्रीन अस्पतालों का भी मैनेजमेंट धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। जो स्टाफ पहले डर रहा था, सबको पीपी किट दिए, स्टाफ वापस आने लग गया है। कुछ अस्पताल बंद हो गए थे या होने की कगार पे थे, उसको भी हम लोगों ने चालू करा दिया है। कई जगह बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से बंद है, उनको भी सख्ती से चालू कराया है और लोगों को बोला है कि आज जनता को सेवा की आवश्यकता है, आज करना बाध्यकारी है इनके लिए, उसमें भी आदेश जारी किए हैं। धीरे धीरे अस्पताल की मैनेजमेंट जो ग्रीन अस्पतालों का है, क्योंकि मरीज कोविड से ज़्यादा अन्य श्रेणी के मरीज 90% से अधिक जो है कोविड से भिन्न मरीज रहते हैं, उनकी भी चिंता हम लोगों को करनी है। आपसे आज के बाद से इसमें जो मेरा आकलन है, हम लोगों का आकलन है, धीरे धीरे जो पॉजिटिव संख्या में तेज़ी से गिरावट आएगी इसमें, और अस्पताल हमारे सभी डॉक्टर्स बड़े अच्छे मेहनत से काम कर रहे हैं, सब एम्स से भी संपर्क में है ट्रीटमेंट के लिए। बस यही अनुरोध है कि टाइम पर आ जाएँ लोग ट्रीटमेंट के लिए। मेन बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहले डेथ्स हमारे यहाँ हुई भी वैसी हुई कि ये फरवरी और मार्च में फैला है पूरा, यहाँ पर फरवरी में फैलना शुरू हो गया था, और जब मैं तीन पॉकेट्स हैं खजराना, चंदन नगर और नयापुरा दौलत, इसमें मार्च में ऑलमोस्ट पूरे मार्च में फैल गया था, और लास्ट वीक ऑफ मार्च से इसमें जो डेथ्स हैं कब्रिस्तान में जाने की थोड़ा वृद्धि शुरू हो गई थी असामान्य रूप से उसमें। इसलिए जब इसको कंट्रोल करना है तो सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा, सबको संभल कर रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, बाहर के आदमी को ना बुलाएं घर के अंदर, कई लोगों ने चपरासी बुलाते रहे उनके घर में इन्फेक्शन आ गया, इस तरह की सावधानियां आम जनता को बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। साबुन से बार बार हाथ धोएं, कहीं कोई बाहर की वस्तु से संपर्क आता है हाथ का तो इमीडिएटली साबुन से हाथ धो लें, इस तरह के प्रिकॉशन जनता को रखना जरूरी है ताकि पूरी तरह से हम निदान पा पाएं। सावधानी बहुत जरूरी है जनता को। सर नए
काम करना और हम लोग आपके साथ हैं, सभी लोग भिड़े हुए हैं, सारे सरकारी कर्मचारी सब तक भिड़ा हुआ है, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, मानव से बचा की सेवा के मान सब काम कर रहे हैं, इसी अपने को साथ है, इसी हौसले से काम करना है। आप लोग इससे बताएंगे कि कुछ हमारे ऐसे लोग जो हम कर रहे हैं ये सभी जगह चल रही हैं गाड़ियाँ, क्योंकि अभी अस्पतालों में अपन को अपने को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना होगा, कुछ अस्पतालों में जो पेशेंट्स हैं उनको वहीं रखना है या उनको किसी दूसरे को रिसीव करना है, ऐसे लोगों को यूज़ करेंगे आप लोग जो चढ़ने फिरने वाले लोग रहेंगे जिनको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को अपने को शिफ्ट करने में मॉलिक जरूरत पड़ेगी वो जी, तो वो सब पेशेंट्स को शिफ्ट कर देंगे, बाकी जो लोकल कॉल्स आएंगे अपने उसके लिए फिक्स अलग से कर, जो पेशेंट शिफ्टिंग के अलग से कोई गाड़ी रख देना है इसमें, और बाकी जनरल कॉल आएगी जनता को सब वाहन भी उसमें अपने जो भी है अपने जरूरत पड़ी नहीं गई है फिर भी अपने जोड़ दी है फिर भी दिख देना उसमें हमारे तरफ से बना दीजिए भेज देना मैं कर दूँगी किसी मीडियो में करा देंगे। चलो बढ़िया, बहुत जल्दी बैठे हो आप लोगों ने मीटिंग किया था डॉक्टर से और आप लोग बढ़िया शुरू करूँगा, ये सब निपट जाएगा अपन सब साथ भोजन करेंगे मिलने के लिए, याद रखना जरूरी है पूरा निपट जाएगा फिर हम कहीं कमाई में भोजन करेंगे। Thank you.